यार ये मोटर एक्टर उसका मारा था क्या मोटर एक्टर उसका मारा था जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग यार भाई 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 अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल क्या ही बोले यार काफी ज्यादा थका हुआ था कल ना काफी बाबा ने बहुत ज्यादा काम करवाया यार जिसकी वजह से ना फिर मुझे रात को दसवीं व्लॉग खत्म करना पड़ा था और आज मैंने जाना था भाई एक जगह रिहर्सल पे फैशन शो है भाई वहाँ पे जाने वाले आपका किंग भाई उन्होंने बुलाया हुआ था बजाएगा ना भिड़ो तो अली जो है आपको पता है पीके लाइन जो है उसकी रिहर्सल थी आज वो उसकी वजह से मुझे जाना पा रहा था। मेन जो फैशन शो है वो है कल जाना था मैंने पर आज अली की वजह से मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने अपना काम सुबह सारा खत्म करके हाल चाल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अब जल्दी से नहाते हैं और नहा के भाई उधर जाने की तैयारी करते हैं। 5 बजे का टाइम था और आई थिंक 5 बज चुके हैं और अभी मैं नहाना है नहा के फिर निकलते हैं ज़रा खाना वगैरह खा के फिर निकलूँगा। ओके पब्लिक वहीं पर चल के मुलाकात करते हैं या उससे पहले जो अली की थोड़ी सी चुस्से हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। इस वक्त यहाँ पे पहुँच तो गए थे और अभी का जो सीन है भाई व्यू चेक कर लो ली मिले जो भी है समझ क्या बोला तूने मेरी इंग्लिश नहीं ना है। उसके बाद व्यू चेक करो भाई अभी तो अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है कहाँ पे चलना है और फिल वक्त जो है पहुँचे मुझे लगता है टाइम पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट मुझे लग रहा था हो गया बट हाल ऐसा कोई सीन नहीं है। लड़के जो है कुछ अभी अंदर जा रहे हैं और भाई आप लोग भी चलते हैं अंदर देखते हैं क्या होता है अंदर का सीन क्या है भाई। पार्किंग एरिया ये नहीं है भाई पार्किंग एरिया आगे और आगे चलते चलते मुझे लगा था शायद ये है पर ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैफेट एरिया जो है ना वो सामने वाली साइड पे हम लोग चलते हैं भाई उसी साइड पर और भाई चल के देखते हैं क्या सीन है मज़ा आता है या नहीं आता। मुझे फिलहाल थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि मैं अक्सर बोर होता हूँ भाई आप चलते जाओ मैं नहीं बैठ रहा। यार साउंड सिस्टम से ना काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रही है मतलब जो है ना लोकेशन देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है माहौल अच्छा बनता है या नहीं ये अलग चीज़ और इस साल का ब्रांड और टॉप मॉडल चल झूठा एक बार जरा प्यारा सा ऊपर प्यार से हेलो कर देते होते हैं हेलो हेलो वालेकुम सर ये है और भाई कुछ न्यू फेसेस मॉडल्स ये जरा रहे हैं और उनकी जो सीन है वो इधर ही रिहर्सल कर रहे हैं अंदर जाने का कोई सीन नहीं है और मुझे तो आती नहीं है भैया आपको पता मैं सादा सा बच्चा हूँ तो बाकी ये सारा कैफेटेरिया चलते हैं अंदर अंदर चल के देखते हैं भाई क्या सीन है अपना चलते जा रहे हैं अंदर की तरफ। पहले ज़्यादा सारे खड़े हो गए थे जितने भी लड़के थे ना तो मैं भी उनके साथ गपशप लगाने लग गया था। अब चलते जा रहे हैं अंदर और अंदर भाई लोग व्यू चेक करो व्यू ओपी है मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है व्यू के हिसाब से आगे पर्सनली कुछ ना कह नहीं सकता ज़रा इस बार भी सज़ा मिलनी है भाई अपने को हम लोग खड़े होंगे यहाँ पर और भाई ये ज़रा करके दिखा रहे हैं ये देख रहे हो इस तरह ये सारा सीन है ये समझाएंगे उन्हें तो बाकी जो है मैं यहाँ पे भाई एज अ जज और जो शोकी शोकी मारनी है मैं वो नहीं देखा जा रहा यार करूँगा क्योंकि आपका किंग भाई ये कर चुका है यार ये करके छोड़ दी है आप शौक खत्म कर ली है जब से आपकी भाभी ने मना कर दिया मना तो नहीं किया खैर उसने बहरहाल मेरा अपना एक शौक था फिर तो मैंने उसकी वजह से खत्म कर दिया ठीक है ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी तो बाकी ये देखो अभी उनको समझाया जा रहा है और जैसे ही वो समझते हैं फिर उसके बाद भाई स्टार्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सीन होने वाला वैसे नहीं है कि जितने भी लड़के ना मैं आप लोगों को पहले वो दिखा देता हूँ बाकी जो है उनके नेम वगैरह मुझे अभी खुद नहीं आइडिया क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो मेरे लिए फर्स्ट हैं ठीक है जिनको मैं पहले से नहीं जानता आप लोगों को उनकी लुक वगैरह दिखा दूंगा जो भाई लोग आप भी मॉडलिंग करने मतलब रैम के लिए हैं ठीक है ये सारे भाई लोग भी हैं जो भी हैं ये सारे और वो कुछ वो लड़के हैं इसको रहने दो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ये और ये होने भी नहीं और चांद ये मेरे फ्रेंड वगैरह हैं ठीक है ये है जिनको मैं पहले से जानता था वो चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उनके नेम वगैरह बता दूंगा बाकी जो सीन है आप लोगों को साथ साथ मैं बताता दूंगा यार क्या करना है। अभी तो फिलहाल उनकी रिहर्सल स्टार्ट है जैसे वो फ्री होते हैं उसके बाद आप लोगों को मतलब सबसे मिलवाऊंगा मैं और स्पेशली जिसका फैशन शो है आप लोगों को उसका बता दूं कि जनाब हनी भाई यहां पर बैठे हुए हैं तो फैशन शो पे ना आज इनका ही है कल का जो फैशन शो है वो इनका ही है और रिहर्सल आज इनकी तरफ से ही है मतलब यहाँ पे मैं हूँ और थोड़ा सा बाकी सीन आप लोगों को दिखाता हूँ सही तरीके से आप लोगों को सबसे ना मिलवा कर फिर ही यहाँ से इजाज़त लूँगा। सीन हो रहा है अब जो है ना सारे जो है ना लड़के वगैरह खड़े हो चुके हैं एक्टिव हो चुके हैं यानी अभी जो है ना मतलब यहाँ पे थोड़ी सी रिहर्सल करवाई जाएगी बाकी का सीन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और भाई गाइड करने के लिए हमारे पास सामने खड़े हुए हैं जनाब
वो और ये हनी फिर, और सबको ना एक बार समझाया जाएगा और उसके बाद मैं खुद भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को अगर मुझे मौका मिला तो, अदरवाइज पक्का नहीं कह रहा। बहरहाल अगर ऐसा सीन बनता तो मैं आप लोगों को लाजिम करके दिखाऊंगा। ये अभी उन्हें फिर से गाइड किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। न्यू फेस यार हमारे पाकिस्तान में ना प्रमोट करने के लिए ना बहुत कम लोग हैं, ठीक है। कुछ पैसा खा लेते हैं, कुछ जिस्म खा जाते हैं और प्रमोशन नहीं मिलती, मतलब लड़का प्रमोट नहीं हो पाता। बहरहाल ये जो एजेंसी है भाई, हनी भाई जो काम कर रहे हैं, न्यू फेसेस को चांस देते हैं। तो फिल वक्त आप लोगों का सीन दिखाता हूँ अब क्या है। और ये हनी अब खुद सबको गाइड कर रहा है यार, क्योंकि मैं कितनी एक देर समझाऊंगा कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक का जो सीन है ना, क्योंकि उनके जो है अभी वाक काफ़ी ज़्यादा ना लो है, तो इस वजह से थोड़ा सा उनको हनी अब खुद गाइड करेगा, फिर वो दिखाता है। फिर हो सकता है कि जब अली फ्री हो जाएगा ना, अली फ्री होगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाक करते हुए, ठीक है। अभी जो है अली बिजी है तो इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता। और ये हनी की वाक है, ये होती है, ये देखो ज़रा, ये है वाक और ये है ब्रांड, ठीक है। चेक करो बस, ये लेवल है। एक टाइम था कि मुझे याद है कि जब ये हनी ने स्टार्ट किया था ना, तब मैं इसके साथ एज अ मॉडल खड़ा हुआ था, हम लोगों ने काम किए थे काफ़ी ज़्यादा। और ये कुछ मेरे जो हैं दोस्त वगैरह, ये भाई भी, ये जो हैं ये बैठे हुए, इन्होंने मेरा सॉन्ग वगैरह जो है एडिट, मेरे एडिटर ये थे। और ये जो है ये एज अ कोऑर्डिनेटर मेरे साथ काम किया करता, मेरा कोऑर्डिनेटर भी हुआ करता था किसी टाइम पे। तो मैं किसी को भी नहीं बोलता, मेन चीज़ मुझे सारे याद रहते हैं अपने दोस्त वगैरह जो है। बाकी का जो सीन है अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, कोई एक दो कैटवॉक दिखाता हूँ, बस हंसना मना है। पोज अभी पेंडिंग कर दो, पोज ना करो, ठीक है। चलो टर्न लो, ठीक है, बैक ले जाओ, ठीक है, हो जाओ साइड पे, रुकना नहीं है, तो बाहर निकल जाना बस। नेक्स्ट, वो एटीट्यूड में थी, अच्छी है, आपने की भी है पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं की हुई, फिर हैंड जो है वो थोड़ा कम कर लो, ठीक है। हाँ वो टांगे कर रही हैं, हैंड नहीं कर रहे, ठीक है, इस चीज को माइंड ना करना, ओके, ठीक है, अब वापस लो, समझ रहे हो, ठीक है, चले, हाथ रोको, हाथ को रोक दो, हाथ नहीं चलने चाहिए ऐसे, परेड नहीं है आपकी, ये वॉक है, ये परेड नहीं है, ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को, चलो वापसी, ये जनाब टिकटॉकर साहब और रैंप पे पहले भी स्टेज पे आ चुके हैं, मैं तभी ना स्टॉप करवा के मैंने इन्हें बुलाया। ओ ध्यान से, गुड गुड हो गया। चलो जिनको मैं अभी गाइड कर रहा था उन सबका नाम बताता हूँ बारी बारी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी अपना अपना नाम बताते जाना, नाम बताना अपना। हुसनैन, ठीक है, निक नेम है मानी, या ओरिजिनल भी यही है, ओरिजिनल भी, अच्छा ठीक है, उड़ो हो गया। क्या नेम है यहाँ? साद। नाम? वलीद खान। वलीद खान, सही हो गया। आपका पसंद? नुमान। और उस्मान, यार अगर मैं बोल दूँ मुझे याद करवा देना, फिल वक्त ये वीडियो में ही है ना। क्या नाम है आपका पसंद? फारूक। नाम? जुहेब। और वो भाई जो है, वो भाई हमारे दोस्त ही कह लो, पर मॉडलिंग के लिए नहीं आए, किसी की प्रमोशन के लिए है। बाकी का सीन ये है क्या यार, ये क्या ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, उसामा रजा, ओके उसामा रजा भाई हमारे, ठीक है। बाकी का जो सीन है यार, अभी इनकी लास्ट एक चेंज चलेगी, रैम जो इनकी क्लियर करवाऊंगा, फिर उसके बाद भाई यहाँ से निकलते हैं, भूख शूख लगी है, रस्ते में कुछ खाता हूँ या जाके घर में के आज का देखते हैं, अभी ये भी नहीं मुझे पक्का पता। बाकी जो है फीमेल्स मॉडल जो हैं ये यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनका मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, ना मैं उनको बीच में लाता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा सीन है। बुढ़ी मेरी ने गाला कट रही है भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक यदि हो भी है तो पता लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से इनका कोई चक्कर नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी ये हमारे ब्रांड, अभी इनकी वाक आप लोगों को मैं लाजिम दिखाऊंगा, इनकी जो, ठीक है, इनकी वाक मैं दिखाऊंगा। रजा, अच्छा रजा भाई साहब, चलो रजा भाई वॉइस कर ले, उसके बाद करवाता हूँ दोबारा। मॉडल
Wait a minute. Who are you? मंडल बहुत ही फ्री हो गई है. जान से पता निकल रहा है. रेड रेड है. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम. बड़ी शख्सियत जो होती है वो आती है लास्ट पे. आप लोगों को पता होगा. और जनाब मैम सवेरा मॉडल और एक्टर क्या बात है. वो इस टाइम जनाब सेल्फियाँ चल रही हैं भाई. हम कुछ कह नहीं सकते. अच्छा मैम थोड़ा सा अपने वर्किंग के हवाले से. काफ़ी ज़्यादा फेम अब नाम हो गया. अब छोटे बंदे थे हम लोग कहाँ पे याद रहते हैं या नज़र आते हैं. फिर भी चल झूठा थोड़ा सा आप बता दें. सामने आइयो क्लीन सर नाल खड़े हो यो नाल खड़े हो यो. मैं ब्लॉग ची पाना है. मैं ब्लॉग ही अपलोड करना है यूट्यूब का. चीटिंग करता है तू. हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है. बेचारा सो रहा था मैं. नहीं ये क्या था. ये मैं काटूंगा भी नहीं. मैं तो ऐसे ही अपलोड करूंगा. ऐसे ही अपलोड होगा. खैर आप लोगों को बता दूं कि यार अभी का सीन ये है कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ. चलना है रस्ते में. मैं भी हो सकता मैं खाना वगैरह खा लूँ. पर अम्मी की कॉल थी. फिर अम्मी ने जो खाना बनाया वो ना खाया तो फिर डांट पड़ेगी. तो बाकी का जो सीन है इंशाल्लाह मुलाकात होती है. कल फैशन शो है. पक्का नहीं कहता मैं जाऊँगा. अगर ना गया जो मेरी डेली एक्टिविटी है वो आप लोग देखोगे उसके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में. अपना ख्याल रखिएगा. टाटा बाय बाय सी यू.